अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे, रमज़ान मुबारक पास है तो इसके लिए हम बना के रखेंगे पकौड़ियाँ। पहले मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाएं और विज़िट करें चीज़ों को सेव करने के लिए रमज़ान के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हम दही पकौड़ियाँ बनाएंगे, जो अगर पकौड़ियाँ हमारे पास बनी हों तो जल्दी से हमारे दही पकौड़ियाँ अफ्तार के लिए तैयार हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे बेसन, पहले ये हम 3 कप ये वाला जो है 3 लेंगे इसके। चलिए जी, अब हम इसमें डालेंगे नमक कम से कम 1 टेबल स्पून सॉरी, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कलर ताकि ये वाइट वाइट रहे थोड़ा बेसन, तो थोड़ा सा कलर में आ जाए तो अच्छा लगेगा। और हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। चलिए जी, ये मैंने कर दिया है अच्छी तरह मिक्स। और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। मुझे अंडा डाल के अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को नहीं है अंडा और या पसंद नहीं है तो आप ना डालें। नाज़रीन, इसका फ़ायदा ये है पकौड़ियाँ बना के पहले रखने का, कभी इंसान रोने पाक पड़ रहा होता है, कभी अफ्तारी से पहले थकावट होती है, कभी नमाज में टाइम लग जाता है ज़्यादा, तो फिर सिर्फ दही पकड़ें, उसमें चाट मसाला डालें और ये पकौड़ियाँ डालें और आपका तैयार हो जाएगा खाने वाली डिश। चलिए जी, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। वैसे तो ये छान के कर रहे हैं वो भी ज़्यादा सही रहता है, लेकिन मेरी इस वक्त ज़रा छान नहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने सिंपल चम्मच से करके तो इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता हम पानी डालेंगे और इस घोल को सेट करते जाएंगे। बैटर को हमने ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तैयार करना और ना ही ज़्यादा पतला हो, बस इतना हो कि हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो मज़े की बने। अगर आप ज़्यादा सख्त रखेंगे पकौड़ियाँ नहीं बनेंगी, नरम करेंगे तो वो बिल्कुल ही शेप में नहीं आएंगी। अब हम इसके ज़रिए इसको करते हैं ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये नाज़रीन हमारा हो गया मिक्स। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, ये ऑप्शनल है क्योंकि ये बेसन है, आपको पता है कि सबको जो है बेसन खाया नहीं जाता है, थोड़ा सा सही रहता है गैस का मसला। इसे अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये हमारा हो गया अच्छी तरह मिक्स, बस देखिए इस तरह का हमें चाहिए। अब हम इसको 15 मिनट रखेंगे रेस्ट के लिए। चलिए, जब तक हमारे बेसन को रेस्ट मिल रहा है हम यहाँ तैयारी करते हैं। मैं हल्की आँच पे, हल्की नहीं मीडियम आँच पे ऑयल को रखती है, ये गर्म हो जाए उतनी देर तक हमारे 10 मिनट गुजर जाएंगे, फिर हम ये शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम इसको डाल के देखते हैं। ये हमारे बड़ी मजे की पकौड़ियाँ बनी हैं, लेकिन ये थोड़ी छोटी हैं, हमें थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए। मैं इसको आपको बड़ा साइज बना के दे सकती हूँ। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में अपने फैमिली में शेयर करें। तो चलिए, अब हम बड़ी बना के खाते हैं। आप इसके लिए हमारे पास ये बर्तन है, इसके सुराख बड़े बड़े हैं तो ये हम बड़ी बूंदी बनाएंगे। वैसे अगली बूंदियाँ मैं इसे बना रही हूँ, इसे भी इस तरह बन सकती हैं। तो
तो ये नाज़रीन हमारी हो गई हैं पकौड़ियाँ तैयार। ये हमने जो बड़े से बनाई थी वो, और ये जो छोटे से बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें। और ये आप दही में सिंपल डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी दही बन जाता है और जल्दी से आपका खाने के लिए चीज़ तैयार हो जाती है। आप लोग, फैमिली आपकी बड़ी है तो आप ज़्यादा बनाएं, मेरी फैमिली छोटी है इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी दोनों चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।